हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीडर्स में। आज आप लोगों को फास्ट कैलकुलेशन यानी तेजी से मल्टीप्लाई करना हम सिखाएंगे। बहुत तेजी से दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई आप कराना सिखाएंगे आपको। आप देखिएगा विद इन सेकेंडों में आप आंसर आप कर पाएंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको डायरेक्ट सिखाते हैं। सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको दो नंबर, तीन नंबर यानी 100 से पहले वाली संख्या, 100 के बाद वाली संख्या, 200 से पहले वाली संख्या, 200 के बाद वाली संख्या, ये सारी संख्याएं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने मान लिया कि हम 95 हमने ले लिया और 98 हमने ले लिया, इन दोनों का हमें आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो हमें जानते हैं 100 पे हमें काउंट कराना है। जैसे मान लिया मेरे पास 100 रुपये होने चाहिए, मेरे पास 95 रुपये है, मेरे पास 5 की कमी है। तो 5 की कमी है तो ये 100 हमारे पास होना चाहिए, 5 की कमी है तो 95 यानी 95 में 5 ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ 5 की कमी है तो यहाँ 95 100 होने के लिए 5 की कमी है तो यहाँ -5 हो गया, यहाँ 2 की कमी है तो -2 हो गया। अब आप करेंगे क्या, या तो इसमें से इसको घटा लीजिए या तो इसमें से इसको घटा लीजिए। जैसे 98 से या तो -5 घटा लीजिए या तो 95 से या तो फिर -2 घटा लीजिए। बात एक ही है, 93 ही आना है दोनों जगह से। जब 93 आ गया तो या तो एक इसको उठा के, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, यानी 98 से 5 घटाएंगे जब तो आपको 93 मिल गया। अब ये इतना आ गया है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 5 × 2 = 10 और 10 उठा के यही रख देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तेजी से गुणा कराने का, सबसे तेजी गुणा कराने का ये प्रक्रिया है। अब आपको और भी संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए और बड़ी संख्या थोड़ा सा ले लिया, 88 का हम गुणा अगर करा रहे हैं, मान लीजिए हम 88 का 92 से करा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 12 की कमी है, यहाँ 12 की कमी है, यहाँ 8 की कमी है। अब दोनों का करेंगे क्या, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे, 92 से 12 घटाएंगे तो यहाँ 80 हो गया और यहाँ आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12×8 = 96, ये आपका उत्तर हो गया। तो ये दोनों चीजें आप समझ लिए होंगे। इस और एक संख्या और ले लेते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो अब देखिएगा, आप एक संख्या और ले लीजिए, कोई एक संख्या और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 78 और 85 हम ले लेते हैं, ये दोनों संख्याएं हम ले लिए, 78 और 85। अब इसमें देखते हैं कमी कितने की है, यहाँ -12 की कमी है और यहाँ 15 की कमी है। तो आपस में पहले इसको घटाएंगे, सबसे पहले इसको घटाएंगे तो 5 से 8 गए 3, 8 से 2 गए यानी 63 हो गया, ये 63 हो गया। अब इसका गुणा कराना है। अगर मान लीजिए हमको पहाड़ा नहीं याद है तो आप करते क्या है, 22 का 15 से गुणा कराना है, इसको दो पार्ट में करिए, 20 और +2 और 15, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, आसानी से गुणा हो जाएगा, 15 × 30 यानी यहाँ हो जाएगा 300 और 15 × 30, यही दोनों ऐड करेंगे 0 और 330, ये 330 आ गया। अब देखिए 3 डिजिट में आ रहा है, हमको चाहिए 4 डिजिट में यहाँ संख्या चाहिए, तो 3 डिजिट में आ रहा है तो ये 330 इकाई के नीचे यहाँ 3 रखेंगे और 30 ये रख देंगे और ये प्लस इसको ऐड कर देंगे, यहाँ उत्तर आ जाएगा 3 × 3 = 6 = 66 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी संख्या लेके, दो अंकों की संख्या लेके ऐसे कोई भी संख्या गुणा करा सकते हैं, आप दे सकते हैं, इस तरीके से आएगा। अब आइए और संख्याएं देखते हैं, और संख्या भी देख लेते हैं। अब इधर वाली संख्या है जितनी है, अब मल्टीप्लाई करना नहीं होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन अब इससे 100 के पार वाली संख्या हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 103 का और 106 से मल्टीप्लाई कराना हुआ, 103 का 106 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 100 से देखिए आप कितना ज्यादा है, 100 से यहाँ +3 ज्यादा है, यहाँ 100 से कितना ज्यादा है, +6 ज्यादा है। आप इसी को वहां हम माइनस करते थे, यहाँ 100 से अधिक होने के नाते हम इसको ऐड करेंगे, 106 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 109 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 6 × 3 = 18, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे मान लीजिए 117 हो गया और 125 हो गया, इन संख्याओं का हमें आपस में मल्टीप्लाई कराना है। आप करेंगे क्या, यहाँ 17 ज्यादा है, यहाँ +17 ज्यादा है, यहाँ 25 ज्यादा है, आप यहाँ से यहाँ ऐड करिए, 125 में 17 जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12, 2 × 3 = 142 हो गया,
142 हमको यहाँ मिल गया। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो आप देखेंगे 17 और 25 का मल्टीप्लाई कराने के लिए आप डायरेक्ट करा सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे इसको तोड़ लीजिए 17 में, ये देखिए 17 यानी 20 माइनस 3 इसको लिख सकते हैं और गुणे 25। अब गुणा कराने में आसानी होगा, 25 दुना 50 यानी 500 हो गया और 25 3 75 यानी यहाँ डायरेक्ट 425 हमको प्राप्त हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे 425 प्राप्त हो गया। अब 425 तीन डिजिट में हमको आ रहा है हमारा, तो तीनों डिजिट यहाँ उठा के नहीं रखेंगे, यहाँ इकाई के नीचे इकाई रख देंगे और यहाँ दो बाद में रख देंगे दो संख्या और इसको ऐड कर लेंगे, यानी 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया, 14625 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे, और भी संख्या ले लेते हैं, एक संख्या और देख लेते हैं कितना आया था 14625 ये आपका आंसर आ गया है। अब एक संख्या और हम कोई ले लेते हैं 129 38। जैसे देखिए और कोई ले लेते हैं 129 38 अपने में से कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या आप लीजिए आएगा आंसर, कुछ भी आप सिस्टम से करेंगे तो आंसर जरूर आएगा। तो 129 129 गुणे 138 का हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखिएगा अब यहाँ कितना ज्यादा हो रहा है, यहाँ 29 ज्यादा हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 38। अब आप इसको गुणा कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पहले इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए 8 9 8 17 3 2 5 और 167 हो गया, 167 यहाँ हो गया। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कराना है, 29 38। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 40 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको और 29 अब इसको गुणा कराएंगे यानी 116 हो जाएगा, यानी 1160 और 58 इसमें से 58 घटाएंगे तो कितना 10 से 8 2 और 0 और यहाँ 11 02 आ गया यहाँ से। अब इसको चार डिजिट में आ रहा है, चार डिजिट में अगर आ गया तो आप क्या करेंगे इन दोनों अंकों को इन दोनों अंकों के नीचे रखेंगे, यानी इकाई और दहाई, ये हो गया आपका 02 यानी क्योंकि यहाँ चार डिजिट में आ गया है इस नाते ऐसा करेंगे, तो यहाँ ऐड कर लीजिए 2 0 8 7 और यहाँ 17 802 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम गुणा करा सकते हैं, जैसे और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे ये 100 के पास की, 100 के बाद की हो गई, 100 के पहले की हो गई, अब हम कराते हैं 200 के बाद की और 200 के पहले की गुणा कराते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। अब देखेंगे जैसे हमको मान लिया यहाँ हम 100 पे काउंट करते थे, अब हम उसको 200 पे काउंट करेंगे, यहाँ 200 पे काउंट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया 203 और गुणे 209 ये हमको गुणा कराना है, ठीक है, तो हमको गुणा कराना है तो 200 से ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है 3 लिख लिए, यहाँ कितना है 9 ज्यादा है तो 9 लिख लिए, और इसको अब इसको 200 से 200 में 3 जोड़ेंगे, 209 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 212 और 212 यही नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि हम 100 पे नहीं करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 100 गुणे 2 लिख सकते हैं और ये 200 होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है इसका मल्टीप्लाई ये होने के कारण यहाँ आया है, तो ये इसका हम 100 पे काउंट नहीं कर रहे हैं 200 पे काउंट कर रहे हैं, तो ये 2 एक्स्ट्रा होने के नाते इसमें इसका गुणा होगा, तो 2 में 2 2 2 4 2 कम 2 2 4 यानी 4 से 24 ये हो गया। अब 9 और 3 का गुणा कराएंगे 9 3 27 ये आपका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे और भी बड़ी संख्या लेते हैं, इससे भी बड़ी संख्या लेते हैं। अब जैसे मान लिया 217 हो गया और हम लेते हैं 217 और 213 का ले लेते हैं एक संख्या एक। अब देखिए यहाँ कितना ज्यादा, यहाँ 17 ज्यादा, यहाँ कितना ज्यादा, यहाँ 13 ज्यादा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 213 और 17 जोड़ेंगे तो 230 और 200 में मल्टीप्लाई को दो, मतलब इसमें इसको करने के लिए मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि हम 100 पे नहीं 200 पे काउंट कर रहे हैं, इस नाते हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 यानी 400 यहाँ डायरेक्ट 60 हो गया और 13 और 17 यानी आपको हमको बुरा नहीं पता है, अगर मान लीजिए हमको नहीं याद है तो हम कर दें क्या है इसको 20 इसको 20 माइनस 3 लिख सकते हैं 17 को 17 गुणे 13
इसको 17 यानी 20 माइनस 3 लिख सकते हैं, इसको 13, 13 दुना 26 260 और 13 तीन 39, इसी को ऐसे घटा लेंगे और घटाने के बाद ये संख्या लिख देंगे और 221। अब दो तीन डिजिट में आया है तो ये तीन डिजिट में आने के नाते हम इसकी इकाई के नीचे यहाँ रख देंगे और इसको ऐड कर लेंगे, 2 2 4 6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर इसका ये रहा। और एक संख्या और ले लेते हैं, इससे भी बड़ी संख्या कोई ले लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं समझने के लिए। आप अपने अपने मन से कोई भी संख्या आप लीजिए और सिस्टम से आप करेंगे तो आएगा उत्तर वही चीज आएगा। जैसे मान लीजिए 245 ले लिए, 245 ले लिए और 200 यहाँ 17 ले लेते हैं, 245 217 ले लिए। अब इसका हमें गुणा कराना होगा, यहाँ 200 से कितना ज्यादा, 200 से 45 ज्यादा, यहाँ कितना ज्यादा, यहाँ 17 ज्यादा, यहाँ 17 ज्यादा, इसको ऐड करिए। पहले पहले इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12, 12 3 4 1 5 1 6 और 262 हो गया। 262 में 2 का गुणा कराना पड़ेगा हमको, 200 गुणा कराएंगे 4, 2 6 12, 2 2 4 1 564, 564 हो गया। और 45 का और 17 का आपस में जब गुणा कराएंगे तो इसको कैसे कराएंगे, मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं 40 और प्लस 5 और गुणे 17, इसको ऐसे लिख लिए, 17 4 68, 680 हो गया, 17 5 85, इसको ऐड करिए, 8 8 16 8 8 16 7, यानी 765, 3 डिजिट में आने के नाते इसको 6 7 6 5, इसको ऐड कर देंगे, 5 6 7 4 11 और 7 57 165, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब कि कोई भी डिजिट आप लेके इस तरीके से करेंगे तो आपका उत्तर वही आना है। अब मान लीजिए कुछ लोग सोचते होंगे कि मतलब 190, 180, 170 ऐसे पे अगर हमको करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उस पर भी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, तो उस पर भी आप देख लीजिए। जैसे जैसे हमको कराना हुआ 192 और हमको कराना हुआ 198 का हमको कराना हुआ तो हम कैसे करेंगे, हम 200 पे ही काउंट करेंगे। अब 200 होने के लिए हमारे पास कमी कितने की है, हमें हमारे पास कमी है -8 की, यहाँ कमी कितने की है, यहाँ कमी है -2 की। अब इसको करेंगे क्या, इसको पहले घटाएंगे, यहाँ माइनस होने के नाते हम पहले घटाएंगे, तो 198 से 8 घटाएंगे तो 190 बचेगा। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले तो सबसे पहले ये कराएंगे कि 2 में मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कराना पड़ रहा है हमको इस नाते कि ये 200 पे हम काउंट कर रहे हैं इस नाते, तो 200 में 0 दुना 18, 2 कम 2 1 380 हो गया हमारा, 380 हो गया। अब 8 दुना 16 और यही 16 उठा के रख देंगे, ये आंसर ले लेंगे। तो इस तरीके से समझने के लिए ये हो गया। फिर एक संख्या और लेते हैं, उससे नीचे संख्या चले आते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 188 का हो गया, 188 का हो गया और बोले 175 को, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अपने मन से ही करिएगा आप, लेकिन सिस्टम से करिएगा ऐसे ही। तो आप 188 ले लिए, अब इसमें अब करेंगे क्या, 188 है, कमी कितने की है, -12 की है, 175 में कमी कितने की है, तो 25 की कमी है, इसमें 25 की कमी है। तो आप देखिएगा यहाँ से यहाँ पहले घटाएंगे हम, सबसे पहले यही काम करेंगे कि सबसे पहले हमको घटाना पड़ेगा, चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए या फिर इसमें से इसको घटा लीजिए, यहाँ से यहाँ घटा के यहाँ उठा के रख देंगे, तो 175 यानी घटाएंगे, 5 से 2 गए 3 और 7 से 1 गए 6 1 हो गया, 163 आया। अब हम 2 से इसमें गुणा करेंगे और 2 से गुणा कराएंगे क्योंकि यहाँ 200 पे काउंट हो रहा है, तो 2 3 6 2 6 12, 2 1 2 1 326 आ गया। अब 25 का और 12 का हमको कराना है, 12 और 25 का कराना है, तो कैसे कराएंगे, इसको 20 और प्लस 5 लिख लेंगे, इसको 12 कर लेंगे। अब मान लीजिए गुणा हमको पता है डायरेक्टली तो हम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या होंगी तो हम कैसे करेंगे, तो इसको तोड़ तोड़ के करेंगे, तोड़ना आसान हो जाता है, फिर उसके बाद ऐड करके रख देंगे, तुरंत उत्तर ले लेंगे। तो ये फिर हो गया 12 दुना 24 यानी 240 और 12 25 60, ये चीज ऐड कर लेंगे, 0 6 4 10 और 300, ये 25 और 12 ये 300। अब 300 इसका मल्टीप्लाई यहाँ मतलब ऐड कर लेंगे, ये 0 होगा 0 होगा 9 हो गया और 3 2। आप कैलकुलेटर से उड़ा करा के चेक कर लीजिएगा, सारी संख्याएं यही मिलेंगी जो आपका ये आंसर आ रहा है। तो आप देखिएगा और भी संख्या आप करिएगा तो ज्यादा मतलब मिलेगा आपको, ज्यादा उसमें मिल जाएगा। आप देखिएगा और कोई संख्या एक ले लेते हैं,
एक संख्या कोई और ले लेते हैं, एक संख्या आप अपने मन से सोच के रखिए, कोई संख्या भी ले लीजिए। मान लेते हैं हम 184 ले लेते हैं, 184 ले लिए और हम कुछ भी ले लीजिए और 184 हो गया, 192 ले लिए, ले लेते हैं संख्या। इसमें कितना कमी है, यहाँ से 16 कमी है, यहाँ से कितना कमी है, 8 की कमी है। अब इसको करेंगे कि आप अपने मन से इसको प्रैक्टिस करिएगा बहुत सारा, आपको आपको लगेगा कि आपने कुछ पाया है और ये मिली है सीख, तो आप देखिएगा इस यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले घटाएंगे तो 12 से यहाँ मतलब 16 घटाएंगे तो 6 हुआ और 8 से 7 176 हो गया, 176 हो गया। लेकिन हम 200 पे काउंट कर रहे हैं तो 2 से गुणा करा देंगे सबसे पहले, तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 से 12 और 2 से 14 एक 15 और 2 एकम 2 352 हो गया और 16 8 128 16 और गुणे 2 8 ये 16 8 128 ये 128 जो आ रहा है इकाई के अंक पे यहाँ रख देंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो 1 2 2 3 यानी 35 328 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आपको कैसा लगा ये। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो मतलब और बहुत बड़ी ना होने पाए, इस नाते बस यहीं तक। बस अब मैं इससे भी और भी है, इसका पार्ट और भी रहेगा, 300 पे 400 पे 500 पे मैं सबका बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे। एक वीडियो में सारी चीज़ें बन नहीं सकती हैं। फिलहाल मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ वीडियो, उसके बाद लेकिन आप लोग आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं, टेक केयर, सो बाय।